तो इस तरह से बाबा श्याम को आपको अपनी दिल की बात कहनी है, अपने भाव से भरपूर होकर बाबा श्याम के समक्ष अपनी बातें रखनी है, कहनी है। अब आप ये कहेंगे कि बाबा श्याम के दरबार में इतनी देर खड़ा तो रहने नहीं दिया जाता, तो वहाँ पर हमें अपनी बातें कैसे कहें। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में जाके बाबा श्याम से किस तरह से विनती करनी है, बाबा श्याम से किस तरह से अर्जी करनी है, आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, आप बाबा श्याम की आराधना करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, बाबा श्याम को मानते हैं, क्योंकि आपको किसी ने बताया था कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, जिसके कारण से आप परेशान हैं। आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं टिकता है, इतने अमीर नहीं है कि कुछ कर सके, किराए के घर में रहते हैं, रेंट के घर में रहते हैं, और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो घर का भरण पोषण करने के लिए पैसे की वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, जिसके कारण से आप कभी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और बाबा श्याम की शरण में जाते हैं और बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। परंतु हम सारे श्याम प्रेमी देखा देखी में हमने अर्जी लगाई, नारियल वाली अर्जी लगाई, बहुत सारी करके देख लिए, परंतु बाबा श्याम ने अभी तक नहीं सुनी। तो क्या ऐसा करें कि बाबा श्याम हमारी पुकार जल्द सुने, बाबा श्याम तक हमारी पुकार जाए? हम लोग अर्जी लिखकर भी बाबा श्याम को चढ़ाते हैं, बाबा श्याम को नारियल चढ़ाते हैं, अभी तक अर्जी पूरी नहीं हुई। परंतु मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और लास्ट तक वैसा ही किया, बाबा श्याम के दरबार में जाके पूर्ण भाव के साथ, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनेगी। ये कोई बनावटी वीडियो नहीं है, ये पूर्ण भाव के साथ मैं बाबा श्याम से अरदास लगाऊंगा, अर्जी लगाऊंगा। पूरे भाव से आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चल सके कि बाबा श्याम की अर्जी किस तरह से लगाई जाती है। तो चलिए, को बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और बाबा श्याम से क्या क्या बोलना है, किस किस बारे में बोलना है, हमें इस तरह से बाबा श्याम को बोलना है, भजन के माध्यम के द्वारा बोलना है कि बाबा श्याम तक हमारी सारी बातें पहुंच जाए। और बाबा श्याम को हम सीधा सीधा बाबा श्याम से ये नहीं बोलेंगे, बाबा श्याम हमें धन की कमी, हमें धन दे दो, बाबा श्याम हमें हमारा घर नहीं, हमें घर दे दो, बाबा श्याम हमारे बच्चे लायक बन जाए, तो अलग अलग जो चीज़ मांगेंगे वो चीज़ हम नहीं मांगेंगे, वो हम एक भजन के माध्यम से मांगेंगे। चलिए, मैं आपको अर्जी लगा के दिखाता हूँ बाबा श्याम के समक्ष अपने भाव के साथ। हो सकता है अगर आपको ये पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप भी बाबा श्याम के समक्ष इसी प्रकार से बैठकर अपने घर से, अपने घर के मंदिर से, इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम के समक्ष अर्जी लगाइए। हो सकता है बाबा श्याम आपकी बातें सुन ले, पता नहीं किस रूप में, कब, कहाँ, कैसे सुन ले। इस चैनल पे हर रोज़ वीडियोज़ आती है, अगर आप कोई ना कोई वीडियो देखते हो और अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, कौन से वीडियो से आपकी बात बाबा श्याम तक पहुंच जाए, इसलिए कोई भी वीडियो को छोड़ा मत करिए। प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ नया होता है, देखने को मिलता है। तो चलिए, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम के दरबार में चलते हैं और बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में जैसे हम आ जाते हैं, संसार ताने देता है, तू गरीब है, तूने क्या किया जिंदगी में, उसने घर बना लिया, उसने बिल्डिंग बना ली, उसने इतने पैसे कमा लिए, उसके बच्चे इतने पढ़ लिख गए, तूने आज तक क्या किया, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना रुपया है, ना अपना मकान है। तो बाबा श्याम से कैसे अरदास लगानी है आपको, उसके बारे में पूरी बात सुनिए। तो सबसे पहले बाबा को ध्यान, बाबा को देखिए, बाबा को बोलिए, ताने सुन सुन के संसार से आया हूँ, ताने सुन सुन के संसार से आया हूँ, कह के मैं अपने ही परिवार से आया हूँ, कहकर मैं अपने परिवार से आया हूँ। सुन लेगा श्याम मेरी, सुन लेगा श्याम मेरी, बाकी मर्जी तेरी, बाकी मर्जी तेरी, ताने सुन सुन कर संसार से आया हूँ, कह कर मैं अपने परिवार से आया हूँ।
तो इस तरह से बाबा श्याम से कहेंगे, लोग मुझे ताने देते हैं कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, ये सुनकर मैं तेरे पास आया हूँ, परंतु इसी भरोसे पे आया हूँ कि मैं अपने परिवार से ये कहकर आया हूँ कि मेरी बात श्याम बाबा सुनेंगे, मैंने सुना है बाबा श्याम हरे के सहारे हैं, उनके पास जाएंगे तो वो हमारी बात को ज़रूर सुनेंगे। तो इस बातों को मैंने भजन के माध्यम से सुनाया। अब अगली पंक्ति हम सुनते हैं, उस पंक्ति में बाबा श्याम से हम कहेंगे, उस भजन में हम ये कहेंगे कि बाबा श्याम, जब भी मैं घर लौटता हूँ तो बच्चे मेरी जेब देखते हैं और खाली जेब में पैसे ना होते हैं, जिसके कारण मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इसको भजन के माध्यम से कैसे कहेंगे, चलिए सुनते हैं। लौटू घर जब खाटू वाले, बच्चे मेरी जेब टटोले, बच्चे मेरी जेब टटोले, भर आती आँख मेरी, भर आती आँख मेरी, आगे मर्जी तेरी, आगे मर्जी तेरी, ताने सुन सुन के संसार से आया हूँ, कहकर मैं अपने परिवार से आया हूँ। अब जब हम घर पहुंच जाते हैं तो घर पहुंचने के बाद हमारे आस पड़ोस के लोग हमसे पूछते हैं, बाबा श्याम के मंदिर से आए हो, बाबा श्याम ने क्या तुम्हारी मुरादें पूरी कर दी? अब हम बाबा श्याम के मंदिर 6 महीने 1 साल से जा रहे हैं, परंतु बाबा श्याम ने आज तक हमारी बात नहीं सुनी, हमारी इच्छा नहीं पूरी की, हम वैसे ही किराए के मकान में रह रहे हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, तो अब तक हमारी बात बाबा श्याम ने नहीं सुनी। और पड़ोसी हमसे पूछते हैं कि क्या दिया तुझे श्याम बाबा ने, देख मेरे पास इतना कुछ है। तो अब हम बाबा श्याम को बताएंगे कि पड़ोसी हमसे कैसे पूछते हैं, ताना हमें कैसे देते हैं। पूछे पड़ोसी ताना देकर, क्या आया तू शाम से लेकर, क्या आया तू शाम से लेकर, झुक जाए नजर मेरी, झुक जाए नजर मेरी, आगे मर्जी तेरी, आगे मर्जी तेरी, ताने सुन सुन के संसार से आया हूँ, कहकर मैं अपने परिवार से आया हूँ, सुन लेगा शाम मेरी, सुन लेगा शाम मेरी, आगे मर्जी तेरी, आगे मर्जी तेरी, ताने सुन सुन कर संसार से आया हूँ, कहकर मैं अपने परिवार से आया हूँ, कितना सहूं और मैदानी, सिर के ऊपर चढ़ गया पानी, सिर के ऊपर चढ़ गया पानी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, आगे मर्जी तेरी, आगे मर्जी तेरी, ताने सुन सुन कर संसार से आया हूँ, कहकर मैं अपने परिवार से आया हूँ, सुन लेगा शाम मेरी, सुन लेगा शाम मेरी, आगे मर्जी तेरी, आगे मर्जी तेरी, सोनू तू दा तर बड़ा है, क्यों सेवा किला चार खड़ाए, क्यों सेवा किला चार खड़ाए, मैंने कह दी बात मेरी, मैंने कह दी बात मेरी, आगे मर्जी तेरी, आगे मर्जी तेरी, ताने सुन सुन कर संसार से आया हूँ, कहकर मैं अपने परिवार से आया हूँ, सुन लेगा शाम मेरी, सुन लेगा शाम मेरी, आगे मर्जी तेरी, आगे मर्जी तेरी, ताने सुन सुन कर संसार से आया हूँ। तो इस तरह से बाबा श्याम को आपको अपनी दिल की बात कहनी है, अपने भाव से
भरपूर होकर बाबा श्याम के समक्ष अपनी बातें रखनी है, कहनी है। अब आप ये कहेंगे कि बाबा श्याम के दरबार में इतनी देर खड़ा तो रहने नहीं दिया जाता, तो वहाँ पर हमें अपनी बातें कैसे कहेंगे। श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम के भक्त हैं, बाबा श्याम के दरबार गए हैं। ज़रूरी नहीं कि बाबा के समक्ष खड़े होकर ही आपको अपनी बात कहनी है। बाबा श्याम के दरबार के बाहर खाटू धाम में कहीं से भी खड़े होकर बाबा श्याम को अपने मोबाइल में तस्वीर लेकर बाबा श्याम को देखते हुए भी अगर आप अर्जी लगाओगे, बाबा श्याम तक आपकी दिल की बात पहुँचेगी और बाबा श्याम को आपकी अर्जियों को पूरी करनी होगी। ये जो मैंने लाइनें गाई हैं, ये किसी भजन लेखक ने इतनी अच्छी तरीके से इसमें सारी चीज़ें सम्मिलित कर दी हैं, जिसमें कि दिल की जितनी हमारी बात होती है, जितनी सब कुछ होती है, वो एक ही भजन में डाल दिया गया है, ताकि हम बाबा श्याम को एक ही भजन के जरिए अपनी दिल की बात कह सकें, दिल से अर्जी लगा सके। हम भजन सिर्फ सुनते हैं और सुन के खुश हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं हमारे, परंतु जब आप अपने मुख से, आपकी जैसी भी आवाज़ हो, किसी भी तरह की आवाज़ हो, एक बार बाबा श्याम को अपने घर में सुना सकते हैं, बाबा श्याम को दरबार में जाके सुना सकते हैं, बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंचेगी, बाबा श्याम आपकी अर्जियों को ज़रूर पूरा करेंगे। ये एक भावपूर्ण वीडियो है जो कि आप सभी श्याम भक्तों को देखना और सुनना चाहिए अच्छे तरीके से, और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, उस लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना भी चाहिए। बाबा श्याम की जिस प्रकार से मैं सेवा करता हूं, तो बाबा श्याम मेरी देखभाल करते हैं, इसी प्रकार से अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तो बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनेगी, असीम कृपा बनेगी। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, भाव समझ में आए होंगे बाबा श्याम के। तो आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।